नमस्कार, सनातन टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश भर में अग्निपथ योजना का विरोध तेज हो चुका है। इस बीच युवाओं की दुविधा को देखते व समझते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। बता दें कि ट्वीट करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने लिखा कि मैं घोषणा करता हूं कि अग्निपथ योजना के तहत 4 वर्ष देश की सेवा करने के बाद वापस आने वाले अग्निवीरों को गारंटी के साथ हरियाणा सरकार में नौकरी दी जाएगी। बता दें कि प्रदेश में अग्निपथ योजना के विरोध में दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में भाग लेने के लिए हरियाणा के युवक दिल्ली जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी युवक केंद्र सरकार से अपने निर्णय को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं अब तक हुए प्रदर्शनों के दौरान पलवल, महेंद्रगढ़ और जींद में आगजनी की घटनाएं हुई हैं। हिसार में रोड जाम करने पर 100 से ज्यादा युवाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने ट्वीट किया कि तीनों काले कानूनों की तरह अग्निपथ योजना के खिलाफ भी सभी को एकजुट होकर आंदोलन करना चाहिए। इनेलो अग्निपथ योजना के खिलाफ महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी और इसके खिलाफ जन आंदोलन करेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राज्य सरकारों की तरफ से इस तरह की घोषणाएं प्रदर्शनकारियों को शांत कर सकेंगी? इस विषय पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि प्रदर्शनकारियों का ये प्रदर्शन कितना जायज है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।